दिन बाद शिवम की बहन की शादी थी, लेकिन शिवम तो इस समय कोई और ही जंग लड़ रहा है, अस्पताल में है। दुआ कीजिए उसके लिए। जिंदगी और मौत के बीच सांसों की रस्सी पर अटकी है 16 साल की शिवम की जान। जिन गलियों में 3 दिन बाद शिवम को अपनी बहन की शादी का जश्न मनाना था, उन गलियों में डर और दहशत की खामोशी है। अस्पताल के बिस्तर पर वेंटिलेटर के सहारे सांसों की जंग लड़ रहा है शिवम शुक्ला। शिवम अपने मामा के पास खरगोन में रहकर ITI से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा कर रहा था। 10 अप्रैल को जब खरगोन में हिंसा हुई, तब शिवम अपने दोस्तों के साथ मंदिर में रामनवमी कार्यक्रम की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक से मंदिर की ओर सामने से आती भीड़ ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। शिवम और उसके दोस्त जब तक हालात समझ पाते, तब तक पत्थरों की बरसात में शिवम बुरी तरह घायल हो चुका था। शिवम के मामा के बेटे ने ABP न्यूज को उस दिन की घटना के बारे में जो बताया, वो वाकई डराने वाला है। मंदिर के वहाँ बाहर की तरफ पथराव चालू हुआ और शिवम और मैं भी वहाँ उपस्थित था। और जैसे ही बाहर निकला ये देखने के लिए कि कहाँ से आवाज आ रही है, इतनी देर में तो तेजी से पथराव और गोलियाँ चालू हो गई थी। गोलियाँ चलना, पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, कांच की बोतलें फेंकी जा रही थी, उसी में शिवम घायल हुआ है। वो चोट ज्यादा लगी थी, जो गमछा उसे ओढ़ाया था उसे हम लोगों ने निचोड़ा तो पूरा खून निचोड़ गया था उसमें से। घटना के बाद शिवम को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शिवम के हालात बिगड़ते देख डॉक्टर्स की टीम ने उसे इंदौर रेफर कर दिया। शिवम का इलाज कर रहे डॉक्टर्स के मुताबिक शिवम के सिर में गंभीर चोट आई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार घायलों का इलाज करा रही है। शिवम की सेहत में अभी धीरे धीरे सुधार तो हो रहा है, लेकिन परिवार का डर अब तक दूर नहीं हुआ है। कार्रवाई की तो कार्रवाई अभी काफी होना बाकी, क्योंकि जो घर चिन्हित है, जो वीडियो में आ रहे हैं, वो आज भी खड़े दिखाई दे रहे हैं, और तो वो जमींदोज़ करने की कार्रवाई अभी बाकी है। शिवम के घर में कल से बहन की शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। 17 तारीख को शादी थी, लेकिन होने को शायद कुछ और ही मंजूर था। ABP News आपको रखे आगे।